हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इन सिक्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका क्या कह रहा है, देखो। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। जैसा आपने क्या किया था, फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स गिवन थी, उन स्टेटमेंट्स को आपने क्या बनाया था, इक्वेशन बनाया था। अब आपने क्या करना है, उसका उल्टा काम करना है। अब आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने वैसे ही स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है बेटा। पहला पार्ट क्या है, पी प्लस फोर इज इक्वल टू 15, ठीक है। पहला देखो आपने क्या किया था, अगर मैं बात करूँ, मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे, उन वर्ड्स के मीनिंग अगर आपको पता चल गए तो आप ईजिली कर सकते हो। तो बेटा क्या करूं, एडिशन का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है। किस किस का सम, p और 4 का, तो क्या लिखोगे, सम ऑफ p एंड 4 इज, ये इक्वल टू का मतलब मैंने क्या बताया था, इज, तो क्या आ जाएगा 50, सबसे इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा उसने क्या बोला, सेकंड, ठीक है, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो बेटा माइनस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्टेड, क्या होता है, सब्ट्रैक्टेड, और 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किस में से, एम में से, तो क्या लिखोगे, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम। अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ किस में से, एम में से, तो गिव्स का मतलब भी मैंने क्या बताया था, इज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, गिव्स क्या दे रहा है, 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट देखो बेटा, 2m इज इक्वल टू 7, क्या बोला है, 2m इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2m का मतलब क्या बोला था बेटा, आपने पिछले क्वेश्चंस में बताया था, 2m का मतलब क्या है, 2 टाइम्स बोल सकते हो, ट्वाइस बोल सकते हो, ठीक है। क्या लिख दोगे, 2 टाइम्स किसका, 2 टाइम्स m का, 2 टाइम्स ऑफ m, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बेटा, इज क्या है, 7, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया हुआ है, m बाय 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्या किया मैंने, m को किससे डिवाइड किया है, 5 से, ये साइन किसका होता है बेटा, डिवीजन का, तो क्या लिखोगे, m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, क्या दे रहा है, गिव्स का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 5, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फोर्थ पार्ट। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, सॉरी फिफ्थ पार्ट, 3/5m इज इक्वल टू 6। कल मैंने क्वेश्चन कराया था, 1/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है, 1/4 बोला था मैंने, क्या बोला था, 1 यहाँ पे क्या है बेटा, न्यूमरेटर, और 4th क्या है, डिनोमिनेटर। सेम तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूँगी 3/5, ठीक है, क्या लिख दूँगी, 3/5 ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है, ऑफ नंबर, ऑफ नंबर m, 3/5, 3 क्या है, न्यूमरेटर, 5th क्या है, डिनोमिनेटर, किसका, m का, ऑफ नंबर m इज, इसका मतलब इज इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जिसने ध्यान से पिछली वीडियो देखी होगी बेटा, वो आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट है, 3p+4 इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐड, क्या ऐड हो रहा है, 4, 4 एडेड, किस में ऐड किया जा रहा है, 2, किसका, p का, 3 टाइम ऑफ p, क्या दे रहा है, 25, देना का मतलब क्या है, गिव्स 20, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेवेंथ पार्ट पे, उसने बोला 4p-2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्टेड, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 4p में से, तो क्या लिखोगे, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम ऑफ p, 4
टाइम्स ऑफ पी क्या दे रहा है, गिव्स 18, क्या दे रहा है 18, गिव्स 18 इज इक्वल टू का मैंने क्या बताया था, क्या होता है बेटा गिव्स, ठीक है। नेक्स्ट पी बाय टू प्लस टू इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से 2 किस में ऐड हो रहा है इसमें, तो क्या लिखूंगी, इफ 2 इज एडेड, किस में ऐड हो रहा है 2, 2 इज एडेड टू 1/2, ये क्या है 1/2 को क्या बोलते हैं बेटा, 1/2 किसका, p का, 1/2 ऑफ p क्या दे रहा है 8, गिव्स 8। अगर आपने पिछले वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप बहुत इजीली इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6th पे। सेट अप द इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इक्वेशंस बनानी है। देखो बेटा, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, इरफान कह रहा है उसके पास 7 मार्बल्स हैं, मोर देन 5 टाइम्स, 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं किसके, 5 टाइम्स से, ठीक है। 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, जो मार्बल्स हैं किसके पास, परमीत के पास, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं बेटा, टोटल 37। तो उसने बोला मेरे को सिर्फ सेट करनी, इक्वेशन सोल्व नहीं करनी। देखो उसने क्या बोला, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल, तो मैंने माना लेट एम बी द नंबर ऑफ मार्बल्स, बी नंबर ऑफ मार्बल्स, या फिर लिखो लेट परमीट्स हैव एम मार्बल्स, ठीक है, कितने मार्बल्स हैं एम। फिर उसने बोला, इरफान कह रहा है इरफान के पास, मेरे को बताना है परमीत की लैंग्वेज में, क्या बताना है परमीत की लैंग्वेज में, उसके पास कितने मार्बल है एम, परमीत के पास कितने मार्बल हैं एम, ठीक है। बेटा इक्वल रखूंगी मैं यहाँ भी इरफान के मार्बल, यहाँ भी इरफान के मार्बल, इक्वालिटी में आप 1 = 1 रखते हो या परमीत इज इक्वल टू इरफान रखोगे, नहीं रखोगे ना, तो क्या करोगे, परमीत इज इक्वल टू परमीत, इरफान इज इक्वल टू इरफान। और इरफान के लिए उसने क्या कंडीशन दी थी बेटा, पहले ही बोल दिया था 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल्स मोर का मतलब क्या है, +7, मोर का मतलब क्या होता है प्लस, 5 times द मार्बल परमीत है, परमीत के पास कितने मार्बल हैं एम, एम का 5 times क्या हो जाएगा 5m, और टोटल मिला के मार्बल हैं कितने 37, ठीक है। तो इरफान इज इक्वल टू इरफान, इरफान की कंडीशन क्या दी थी, 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं परमीत के 5 times मार्बल्स, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, लक्ष्मी फादर, लक्ष्मी फादर एज इज 49 years old, 49 years old है बेटा, ही इज़ 4 years older देन 3 times, 4 year older यानी कि 4 साल बड़े हैं प्लस 4, अगर आप 7 हो तो वो कितने हैं 11, ठीक है, और 3 times 3 गुना, ठीक है। तो उसने क्या बोला, ऑफ लक्ष्मीज एज, तो मैंने क्या माना, लेट लक्ष्मीज एज, उसने दिया हुआ लक्ष्मीज एज बी वाई ईयर, कितनी है वाई ईयर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, जो लक्ष्मी की एज है उसके फादर की एज लक्ष्मी की एज के 3 times, लक्ष्मी की एज के 3 times यानी कि 3 गुना, यानी कि 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और उससे 4 साल ज़्यादा, मोर का मतलब ओल्डर का मतलब क्या है 4 साल प्लस, तो वो टोटल कितने साल के बन गए बेटा 49, तो वो टोटल कितने साल के बन गए 49। अब आ जाओ थर्ड पे बेटा, पढ़ते चलो लिखते चलो,
द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ओब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, जो सबसे छोटा है उसको मान लो, ठीक है। सबसे छोटा देखो क्या है, लोवेस्ट मार्क, तो मैंने माना लेट लोवेस्ट मार्क्स बी L, बोला है उसने क्या लेना बेटा L, ठीक है। तो उसने कंडीशन क्या दी, हाईएस्ट को हाईएस्ट के इक्वल रखोगे, हाईएस्ट क्या है 87, और कंडीशन क्या दी है देखो, उसने बोला कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो क्या है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स का दो गुना, लोवेस्ट मार्क्स क्या है L, उसका दो गुना मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस सॉरी प्लस 7, और उसमें क्या प्लस कर दूं 7, ठीक है। ये भी क्या बन गई हाईएस्ट मार्क्स, और ये भी क्या है हाईएस्ट मार्क्स, दोनों को क्या रख दोगे इक्वल, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, जो आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल है द वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है, दुगना है बेस से। तो उसने क्या बोला, हमें मान के चलना है लेट द बेस एंगल बी बी डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या माना, लेट द बेस एंगल बी बी डिग्री, ठीक है। उसने बोला रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। उसने क्या बोला कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो उसने क्या बोला, इसने बोला जो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल, बेस एंगल क्या है बेटा बी डिग्री, बेस एंगल आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे बी डिग्री, और कंडीशन क्या दी है वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, वर्टेक्स एंगल आपका क्या है दो गुना, ठीक है। तो जब दो गुना है तो दो गुने के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, ठीक है। दो गुना का मतलब क्या है बेटा, आपके पास टू ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ दैट एंगल, एक एंगल तो आपके पास ये आ गया, और ट्वाइस ऑफ दो आइसोस्केलेस से दो एंगल सेम होंगे, ट्वाइस ऑफ दैट एंगल ट्वाइस ऑफ दैट एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 2 4, तो 4 ऑफ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बेटा आइसोस्केलेस ट्राइंगल की, और उसने बोला ट्वाइस है, दो गुना है, दो गुना है। तो बेटा अगर ये आपके पास ट्राइंगल है, ये वाले एंगल बी और ये बी, ये आपका ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ बी, तो 2b प्लस बी प्लस बी 4b, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जो वर्टेक्स वाला एंगल है वो दो गुना है, और जो नीचे वाले बेस एंगल हैं, दिस इज योर बेस एंगल, बेस एंगल आपके पास कितने हैं बी और बी सेम, ठीक है। बेस एंगल आपके पास क्या है सेम, तो जब मैं इनको प्लस करूँगी सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180, बिकॉज ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180, तो 2b प्लस 3b प्लस 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।